नमस्कार, मैं विनीता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपनी दुनिया यानी विनी की दुनिया में। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ या ये वीडियो बनाने वाली हूँ वो बहुत इम्पॉर्टेंट है जो लोग मुझे सुन रहे हैं, क्योंकि ये टॉपिक कभी ना कभी उन सब के लिए किसी ना किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा रेलेवेंट होगा, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, चाहे वो मेरी तरह हाउसवाइफ्स हों, चाहे वो लोग हों जिन्होंने अपना कुछ छोटा मोटा बिजनेस शुरू किया है, या जो एक कोई नए यूट्यूबर्स हों, या वो स्टूडेंट हों जो कुछ आगे करना चाहते हैं लेकिन उनको एनकरेजमेंट नहीं मिलता। तो ये वीडियो आप ज़रूर देखें क्योंकि ये वीडियो आपके लिए ज़रूर फ्रूटफुल होगा। तो मेरा आज का जो वीडियो है वो इस चीज पे बेस्ड है कि व्हाट आर द थिंग्स व्हिच पुल्स यू डाउन, वो कौन सी चीजें हैं जो आपको खींचती हैं, आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं। हम लोगों की लाइफ में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हम करना चाहते हैं, वो बहुत सारे सपने होते हैं जिन्हें हम जीना चाहते हैं, लेकिन किसी ना किसी वजह से हम उन चीज़ों को अचीव नहीं कर पाते या हिम्मत ही नहीं कर पाते। अचीव तो बहुत दूर की बात है, अचीव करने के लिए तो आपको कम से कम चीज़ों को स्टार्ट करना पड़ेगा, लेकिन हम स्टार्ट ही नहीं कर पाते। वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, आज हम इस वीडियो में उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। बिलीव इन योर सेल्फ, हैव फेथ इन योर अबिलिटीज। Without a humble but reasonable confidence, you cannot be successful or happy. जी हाँ, ये कोटेशन मैंने इसलिए कहा है कि आपको अपने ऊपर विश्वास करना होगा, फेथ करना होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ये थोड़ा सा विश्वास जो है अपने ऊपर बहुत ज़रूरी होता है आपको लाइफ में सक्सेसफुल बनाने के लिए। फिर चाहे वो कोई स्टूडेंट हो, कोई मेरे जैसा नया यूट्यूबर हो, कोई हाउसवाइफ हो, या कोई वो इंसान जो अपना कुछ एक स्टार्टअप करना चाहता है, अपनी रेगुलर नौकरी को छोड़ करके कुछ नई चीज़ पे एक्सपेरिमेंट करना चाहता है, उन लोगों के लिए ये फेथ, अपने ऊपर का फेथ और ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है सक्सेस बनाने के लिए। हमारे साथ में प्रॉब्लम क्या होती है, हमें पता तो होता है कि हम चीज़ों को कर सकते हैं, थोड़ी सी मेहनत हमें चाहिए, हम एक्सेल कर सकते हैं जो हम सोच रहे हैं, बट हम वो कर नहीं पाते। और ऐसा नहीं कि हम करना नहीं चाहते, लेकिन जो हमारे सराउंडिंग्स में जो चीज़ें हैं, चाहे वो लोग हों, चाहे वो समाज हो, उन लोगों ने कहीं ना कहीं ये बोल बोल कर हमारे दिमाग में ये बात डाल दी है कि जो हम करना चाहते हैं वो वेस्ट है, वो बकवास है, उसको करने से कोई फायदा नहीं। अरे छोड़ो यार, तुम अपनी जॉब करो, ये बकवास की चीजों पे ध्यान मत दो, इससे बस लाइफ वेस्ट होगी। अरे तुम अपना घर संभालो यार, ये YouTube छोड़ो, इट इज अ वेस्टेज ऑफ टाइम, और ऑलरेडी तुम्हारे पास कितना काम है, तुम इस पे कैसे कॉन्सेंट्रेट करोगी। या स्टूडेंट्स के लिए, नहीं, कोई भी नई चीज़ ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मेडिकल पढ़ रहे हो तो सिर्फ मेडिकल ही पढ़ो, इंजीनियरिंग कर रहे हो तो सिर्फ इंजीनियरिंग ही करो। ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमारी सराउंडिंग्स में बोल बोल कर हमारे दिमाग में डाल दी गई है, जिसकी वजह से हम आगे बढ़ ही नहीं पाते, इस बाउंडेशन को ब्रेक कर ही नहीं पाते। तो ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने ऊपर फेथ रखिए, इस कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, इन लोगों को मत सुनिए, क्योंकि इन लोगों का काम है आपको खींच कर नीचे लाना, आपको पुल डाउन करना। क्यों? क्योंकि आप वो करने जा रहे हैं जो वो कभी नहीं कर सकते। It always seems impossible until you done. आपको कोई चीज तभी तक impossible लगती है जब तक आप उस चीज को कर नहीं लेते। झे, ये एक बहुत अच्छा शब्द है इस चीज को explain करने के लिए। हम लोगों में एक तरीके की झेप होती है, हम लोग थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं, शर्म होती है कि अगर मैंने ये चीज की या मैंने ये पाथ अगर ब्रेक की तो लोग क्या कहेंगे, मुझे सब जज करेंगे, मतलब I've been judged by people, right? I'm gonna judge by people. तो ये जो एक झेप होती है, ये जो एक शर्म होती है, ये जो एक अंडर कॉन्फिडेंस होता है हमारे अंदर, ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है जो हमें वो चीज़ करने नहीं देती जो हम करना चाहें, लाइफ में आगे बढ़ने ही नहीं देती। हम किससे शर्मा रहे हैं, हमें किस चीज़ की झेप है, क्योंकि लोग मुझे जज करेंगे, वो लोग जो आपके ऊपर एक मिनट भी अपना वेस्ट नहीं करना चाहते। जो लोग आपको जज करेंगे तो उन्हें करने दो, लोगों का कोई और काम नहीं होता है,
और स्पेशली अपने आप को इतनी इम्पोर्टेंस देना बंद करो कि लोग तुम्हारे बारे में सोचते हैं। किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि कोई हमारे बारे में सोचे, इसीलिए हमें खुद अपने बारे में सोचना चाहिए, इस झेप से ऊपर बढ़ना चाहिए। एक जिंदगी मिली है, उस जिंदगी को फुलेस्ट जीना है। मुझे नहीं मालूम कि मैं कितने साल जीने वाली हूँ, लेकिन मैं खुशी खुशी जीऊंगी, वो हर काम करूंगी जो मैं करना चाहती हूँ। ये चीज मैं सोच के कभी नहीं बैठूंगी कि यार लोग क्या कहेंगे। मेरे अंदर एक शर्म है, मैं अच्छा बोल नहीं पाती, मैं इतना अच्छा दिखती नहीं हूँ, मैं इतनी इंटेलिजेंट नहीं हूँ कि मैं कोई एग्जाम पास कर सकती हूँ, या मैं उतनी अच्छी, या मेरे पास उतना अच्छा पैसा नहीं है कि मैं कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ, या मेरे अंदर उतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं एंट्रेंस एग्जाम निकाल सकता हूँ या निकाल सकती हूँ। इतना सोचने की जरूरत ही क्या है, आप स्टार्ट तो करो, आप एग्जाम देने तो बैठो, आप अपना कोई बिजनेस स्टार्ट तो करिए, आप अपना कोई चैनल खोलिए तो सही, पहले स्टार्ट तो करिए। बैठे बैठे सिर्फ ये सोचना कि मैं फेल हो जाऊंगी, इस डर से मैं कुछ करूंगी ही नहीं, तो फिर लोगों को क्यों दोष देना है, फिर तो वो कमी आपके अंदर ही है। तो अपनी जेब से निकलना आपके हाथ में है, अपना कॉन्फिडेंस गेन करना आपके हाथ में है। क्या होगा अगर आप स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा वीक ही होंगे ना, पहली बार फेल ही होंगे ना, तो दूसरी बार उसको ट्राई करेंगे, कम से कम दूसरी बार में उसमें मेहनत करेंगे। जब मैंने ये यूट्यूब का बिजनेस सोचा कि मैं अपना एक एक इस तरीके का चैनल खोलूंगी और मैं उस पर काम करूंगी, मैंने एक साल तक सोचा बट मैं उस पर कुछ काम नहीं कर पाई, सिर्फ इस रीजन की वजह से कि मैं ये टॉपिक पे बात करूंगी तो लोग क्या सोचेंगे, अगर मैं ये वीडियो बनाऊंगी तो लोग मुझे क्या सोचेंगे, अगर मैंने सिर्फ खाना बनाया तो लोगों को लगेगा कि जो मेरे वो लोग जो मेरे साथ पढ़े लिखे और जॉब किए हैं उनको लगेगा व्हाट शी इज डूइंग नाउ, इतना पढ़ने के बाद शी इज डूइंग हाउस होल्ड एक्टिविटीज, सो आई विल नॉट मेक एनी वीडियोज ऑन तड़का और किचन। फिर मुझे लगा कि पढ़ाई का करती हूँ तो लोग कहेगा अरे अभी तक ये पढ़ाई कर रही है। सो ये सोच करके एक साल तक मैंने अपने चैनल पे कुछ अपलोड नहीं किया। एक दिन, वन फाइन डे, माय हस्बैंड गेव अ कॉन्फिडेंस टू मी। तो किसके बारे में सोच रही हो, कभी भी तुमने उन लोगों से बात की, उन स्कूल फ्रेंड से, उन कॉलेज फ्रेंड से, या उन जॉब करने वालों से, वो क्या करते हैं तुम कभी बॉदर करती हो? आई वाज लाइक नहीं। सो तुम अपने आप को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रही हो, और अगर वो सोच भी रहे हैं तो गो टू हेल। सोचो, तुम्हारे पास टाइम है, तुम सोच सकते हो, मेरे पास नहीं है, मुझे काम करना है, मुझे आगे बढ़ना है। तो ये झेप निकालना आपके अंदर से बहुत जरूरी है, इस झेप को निकालिए अगर आपको आगे बढ़ना है। मैं ये नहीं कह रही कि हर आदमी जो कोशिश करता है, हर इंसान जो कोशिश करता है वो 100% ही पहुंचता है, लेकिन वो कहते हैं ना कि चांद का सपना देखिए, कम से कम चांद ना सही, कम से कम तारे तो आपके हाथ में आएंगे। वेट फॉर द राइट टाइम। हम हमेशा सोचते हैं कि आज नहीं, ये काम मैं उस दिन से शुरू करूंगी जब ये सारी चीजें मेरे पास होंगी, या ये सारी चीजें मेरी तैयार हो जाएंगी, मैं एंट्रेंस एग्जाम में तभी बैठूंगी जब मैं पूरी प्रिपरेशन कर लूंगी। तो ऐसा दिन कभी नहीं आता है, वो राइट टाइम कभी नहीं आता है। इसीलिए जो चीज आपके पास है, आप जहां हैं वहीं से शुरुआत करिए, और बाकी चीजें खुद ही आपको फॉलो करने लगेंगी। इसीलिए ये टॉपिक मैं बहुत दिनों से बनाना चाहती थी, क्योंकि जब मैंने अपना यूट्यूब शुरू किया था तो मैंने अपना यूट्यूब जो है लास्ट ईयर ही शुरू किया, लेकिन अगर आप मेरे चैनल पे देखेंगे तो 8-9 महीने तक उस पर कोई भी कंटेंट नहीं आया, क्योंकि इस झेप की वजह से मैं कभी कुछ कर ही नहीं पाई। तभी जब मैंने वापस से अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस, ड्यू टू माई हस्बैंड्स हेल्प और उनके एनकरेजमेंट से, मैंने जब ये चीज़ करनी शुरू की, तो मुझे कि जब भी मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी होगी, आई विल ट्राई टू बूस्ट अप ऑल माई फ्रेंड्स, ऑल माई फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स, कि आप में से भी अगर किसी के अंदर इतनी सी भी झेप है तो प्लीज आप उससे बाहर निकलिए। बाहर बहुत सारी चीजें हैं जो आपका वेट कर रही हैं। घर में बैठे बैठे परेशान ना होइए। जब हम अपनी चाही हुई चीज को नहीं कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमको बहुत ज्यादा वीक कर देती हैं, बहुत ज्यादा कमजोर कर देती हैं, और हमें ऐसा लगता है कि हमारा एक एक दिन वेस्ट हो रहा है, हम एक दिन अपने मौत के नजदीक पहुंच रहे हैं। लेकिन ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम नहीं कर पा रहे हैं, तो इस गम में न रहिए, जो मन करता है करिए, जो करना है करिए, और स्पेशली लोग क्या कहेंगे के बारे में बिल्कुल मत सोचिए। लोग, मैं आपको एक चीज बोलूं, सिर्फ दो ही तीन वजह होती हैं जिसकी वजह से जो है लोग हमें टॉन्ट करते हैं, हमें जज करते हैं। सबसे पहली चीज तो वो जेन्युइनली हमें हेट करते हैं, वो जेन्युइनली हमें पसंद नहीं करते। और वो क्यों, हमारे साथ भी होता
होता है कि हम जेन्युइनली बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं करते, तो वो तो चलता है, तो दैट पॉइंट यू नो वी कैन बाय इट. बट दूसरी चीजें क्या होती है, लोग उन्हें भी नहीं पसंद करते कि जिनकी तरह वो बनना चाहते हैं लेकिन वो बन नहीं सकते, और ये ही मैक्सिमम रीजन होता है कि सोसाइटी में लोग आपको आगे बढ़ने नहीं देते, आपको क्रिटिसाइज करते हैं, आपके किए हुए चीजों का मजाक उड़ाते हैं. तो ऐसे लोगों से भैया दूर रहना चाहिए. जो लोग आपको कॉन्फिडेंस दें, आपको पॉजिटिविटी दें, जिन चीजों से आपको पॉजिटिविटी मिले, सिर्फ उन्हीं चीजों में रहिए, उन्हीं एटमॉस्फेयर में रहिए और उन्हीं लोगों से दोस्ती करिए. जो आपको जज करते हैं, जो आपको पुल डाउन करते हैं, से बाय बाय टू देम. दे आर नॉट माई कप ऑफ टी, दे आर नॉट माई फ्रेंड्स, सो गुड बाय. सो आज का वीडियो बस यहीं तक था, और होप करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, मुझे ये टॉपिक बहुत पसंद था. और मेरी एक फ्रेंड है, आई एम नॉट गोना नेम माई फ्रेंड, सॉरी, बट ये तुम्हारे लिए है, तुम्हें बहुत कुछ पता है और तुम इस काम को शुरू कर सकती हो, प्लीज शुरू करो. और माई ऑल बेस्ट विशेज इज विद यू, आई एम ऑलवेज विद यू. So on this note, I'm just signing off and I'm just winding my video here only. So hope करती हूँ कि आपको मेरा video अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगा तो please मेरे channel को like और subscribe करिए, और जो मेरे subscribers हैं please 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 आप अपने family and friends में मेरे channel को ज़रूर share करिए. So bye.